मंजिलें सबको बुलाती हैं, कभी आवाज तो सुनो, औरों की ना सही, अपने दिल की तो सुनो। हाय नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वॉचिंग youtube.com, वेलकम टू माय YouTube चैनल वेकअप व्लॉग्स, और मैं हूं आपका सिर्फ आपका वन एंड ओनली दीपक। आज से तकरीबन 2 साल पहले जब मैंने अपना पहला व्लॉग शूट किया था तो कभी सोचा नहीं था कि आप सभी लोगों का इतना प्यार और इतना सपोर्ट मुझे मिलेगा, और इसी प्यार आशीर्वाद के चलते हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे 50 व्लॉग्स। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर यूर ऑल लव एंड सपोर्ट। और आज का ये जो व्लॉग है ये बहुत सारा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ अपने इस 50 व्लॉग्स की जर्नी पर। तो ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मी। आई वॉज दैट काइंड ऑफ गाय who always wanted to do something big and different in filmmaking. But I had no professional studies about this. और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी मैं कुछ खास नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक व्लॉग दिखाया एंड ही टोल्ड मी कि मुझे भी व्लॉगिंग करना चाहिए। एज अ व्लॉगर आई कैन डू एवरी थिंग वट आई वॉन्ट टू डू थ्रू फिल्म मेकिंग। एंड दैट डे आई स्टार्टेड माई जर्नी। ना कोई बड़े इक्विपमेंट्स और ना ही कोई महंगा सेटअप, हाथ में सिर्फ एक मोबाइल और एक छोटा सा गोरिल्ला बोर्ड, और निकल पड़ा खुद की तलाश में। यह सफर शुरू करने से पहले ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे वीकली व्लॉग्स ही करने हैं, और सबसे पहले अपने शहर चंडीगढ़ को एक्सप्लोर करने के साथ करंट अफेयर्स और इवेंट्स को भी एक्सप्लोर करना है। सुखना लेक के व्लॉग को पब्लिश करते करते दिवाली मंथ आ चुका था, सो आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर सम ब्यूटीफुल मार्केट्स ऑफ चंडीगढ़ इन दिवाली। उसके बाद आई वेंट टू सेक्टर 23 टू एक्सप्लोर इंटरनेशनल डोल म्यूजियम। और जब मैं ये व्लॉग शूट कर रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे चंडीगढ़ में हर साल होने वाले तिब्बत मार्केट एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करने का सजेशन दिया, एंड आई वेंट टू सेक्टर 17 टू एक्सप्लोर तिब्बत मार्केट। और जब मेरी नजर वहां पे लगे फ्लैग्स पर गई और मैंने आसमान को देखा तो लगा जैसे मैं यहाँ से कोसों दूर कहीं जन्नत में हूँ। जब मैंने ये वीडियो पब्लिश किया तो न्यूज़पेपर के थ्रू मुझे चंडीगढ़ कार्निवल के बारे में पता चला, एंड आई प्लान टू एक्सप्लोर दिस इवेंट। इसके तुरंत बाद मुझे ऑफिस के काम से दिल्ली जाना पड़ा, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम मिला एंड आई एक्सप्लोर्ड इंडिया गेट। एंड लेट मी टेक यू ऑल टू द ब्यूटीफुल वाइब्स ऑफ दिल्ली। इसके बाद मुझे टेरेस गार्डन में होने वाले फ्लावर फेस्टिवल के बारे में पता चला, एंड आई डिड ए व्लॉग देयर। इस व्लॉग को एडिट करते करते न्यू ईयर 2019 आया, और नए साल की शुरुआत मैं माता रानी के आशीर्वाद के साथ करना चाहता था, और मुझे जयंती देवी जाने का आइडिया आया, लेकिन मैं वहां पर कभी गया नहीं था। सो माई फ्रेंड्स अजय एंड रविंदर ज्वाइंड मी इन दिस व्लॉग। इसके बाद आई प्लान टू एक्सप्लोर ली कार्बूजियर सेंटर, मगर वो प्लान फेल हुआ एंड आई डिड दिस व्लॉग। इस व्लॉग को एडिट करते करते 26 जनवरी रिपब्लिक डे आया, एंड आई डिड ए स्पेशल व्लॉग ऑन दिस ओकेजन। इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद एक बार फिर से प्लान बना ली कार्बूजियर सेंटर को एक्सप्लोर करने का, और इस वीडियो को एडिट करते वक्त एनटीएम बजाज से मुझे एक बाइक लॉन्च इवेंट का इन्विटेशन आया, एंड विद देयर परमिशन आई डिड दिस व्लॉग। इसके जस्ट बाद आई वेंट टू सेक्टर 16 रोज गार्डन टू एक्सप्लोर रोज फेस्टिवल, एंड आफ्टर 1 वीक मुझे स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में पता चला, एंड आई डिड ए व्लॉग देयर। इसके बाद मैंने व्लॉगिंग के लिए इंटरनेट से कुछ जगह की लिस्ट तैयार की, एंड आई एक्सप्लोर्ड रॉक गार्डन, सिंबल ऑफ चंडीगढ़ ओपन हैंड मोन्यूमेंट एंड वॉर मेमोरियल। इन वीडियोस को पब्लिश करने के बाद
आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी सेक्टर 10। इसके बाद प्लान बना एक फोटो एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करने का, मगर वो प्लान फेल हुआ एंड एट द एंड ऑफ द डे आई डिड दिस व्लॉग। इस वीडियो को पब्लिश करते वक्त YouTube से मुझे इंडिया की टॉलेस्ट मीनार के बारे में पता चला और प्लान बना फतेह बुर्ज में व्लॉग करने का। इसके तुरंत बाद मुझे मिला मेरा पहला एक्शन कैमरा और इसकी अनबॉक्सिंग करते वक्त कब मेरे 20 व्लॉग्स पूरे हुए मुझे खुद ही पता नहीं चला। एंड आई सेलिब्रेटेड दिस मोमेंट विद माई फ्रेंड्स विद माई न्यू एक्शन कैमरा। आई डिड सम मोटो व्लॉग्स एंड लेट मी टेक यू ऑल टू दिस ब्यूटिफुल वाइब्स। राइड पर अपनी मजा लेना है तो सुबह सुबह राइड कर, एक तरफ पहाड़ है एक तरफ खाई, इससे अपने को पावर मिलता है पावर। फिर एक दिन अपने गांव से वापस आते वक्त करनाल में एक व्लॉग करने का मन हुआ एंड आई एक्सप्लोर्ड कर्न लेक एट करनाल। आफ्टर दैट आई एक्सप्लोर्ड सिख म्यूजियम एट मोहाली एंड आई वेंट टू पिंजोर गार्डन टू एक्सप्लोर मैंगो फेस्ट। इसके बाद मेरे दोस्त रोशन ने हिल स्टेशन में व्लॉग करने का प्लान बनाया, मगर मुझे हाइट से बहुत ज्यादा फोबिया है और इस वजह से मैं वहां जाने से बहुत ज्यादा डर रहा था। बट रोशन सेड बिलीव मी यू कैन डू इट एंड फाइनली आई डिड सम व्लॉग्स इन कसौली हिल स्टेशन। अपने को यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे। तो हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है जिसे वो छुपाता है और अपने स्ट्रॉन्ग जोन की तरफ भागता है। लेकिन अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर देखो और उसमें जीत हासिल करके देखो, सुकून आपको वहीं मिलेगा। कसौली से मुझे एक नया ही कॉन्फिडेंस मिला एंड नाउ आई प्लान टू एक्सप्लोर नेचुरल हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर म्यूजियम एट सेक्टर 10। और इस व्लॉग की एडिटिंग के वक्त इंटरनेट से मुझे भीमा देवी टेम्पल के बारे में पता चला एंड आई वेंट टू पिंजोर टू एक्सप्लोर दिस टेम्पल। इसके बाद प्लान बना नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट्स को एक्सप्लोर करने का। इसके तुरंत बाद मुझे ऑफिस के काम से एक बार फिर से दिल्ली जाना पड़ा एंड दिस टाइम आई एक्सप्लोर्ड कुतुब मीनार। व्लॉगिंग के लिए मेरी डेडिकेशन देखते हुए मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट करने का फैसला किया एंड वी डिड अ लॉट्स ऑफ व्लॉग टुगेदर एंड दिस टाइम आई एम टेकिंग यू ऑल टू द ब्यूटीफुल मेमोरीज विद माई फ्रेंड्स। आज हम लोग एक साथ व्लॉग कर रहे हैं, अजय ये रविंदर, इनका ओवरवेट हो चुका है आजकल बहुत सारे व्लॉग्स में आ रहा है, सुपरस्टार हो गए बंदे, ये बंदा मान नहीं रहा, अब देखते हैं क्या होता है आगे। अगर पानी इतना ठंडा है ना हम आपको बता मैंने हमेशा से एक चीज सीखी है कि आप अपने काम को जितना बड़ा मानोगे वो काम आपको उतना ही बड़ा बनाएगा। आप अपने काम को जितना प्यार दोगे जितनी रिस्पेक्ट दोगे वो काम आपको उतना ही प्यार देगा उतनी ही रिस्पेक्ट देगा। तो हमेशा वही करो जिसे आप दिल से प्यार करते हो। फिर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पर दोस्तों के साथ मिलके एक मूवी का प्लान बना एंड आई डिड दिस ऑसम व्लॉग। और रविंदर के साथ मिलके हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक सिनेमैटिक वे से एक्सप्लोर किया। और इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद रविंदर के साथ मिलके एक ब्रेकफास्ट राइड का प्लान बना
और हम पहुंचे बुर्ज कोटिया वाटरफॉल। एंड गाइस लेट्स सी दिस ब्यूटीफुल बी रोल्स फ्रॉम द वाइब्स ऑफ बुर्ज कोटिया। अभी मैंने बताया नहीं इनको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठंडा मौसम है, खाली खाली रोड है, पहले जो रास्ते थे वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। ऑफ रोडिंग करते हुए लोगों से पूछते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं हमारी मंजिल पर। ये बंदा देखो हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है। जब भी मोटो व्लॉग करते हैं हमेशा सस्पेंस में रखते हैं। इसके बाद आई वेंट टू छतबीर जू जहाँ पे काफी सारे एनिमल्स के नेचर के बारे में जानने का मौका मिला। एंड रविंदर के साथ मिलके एक बार फिर से पहाड़ों में जाने का प्लान बना। एंड दिस टाइम आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वी एक्सप्लोर्ड मोरनी हिल्स एट हरियाणा एंड प्रेम वैली एट हिमाचल। इन वीडियोस को पब्लिश करने के बाद रविंदर ने एक हिल ट्रैकिंग का प्लान बनाया एंड वी वेंट टू सकेतड़ी हिल्स फॉर ए स्मॉल ट्रैकिंग। और इन व्लॉग्स के बाद आई वेंट टू कलाग्राम जहाँ पे 10 दिन का क्राफ्ट मेला लगा हुआ था। और इसके बाद मुझे सुखना लेक क्लब में लिटरेटी फेस्ट को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और इन वीडियोस को पब्लिश करने के बाद राजेंद्र पार्क में मैंने मिलिट्री कार्निवल को अटेंड किया और वहाँ से मुझे मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में पता चला। एंड व्लॉग्स के एडिट के वक्त न्यूज़पेपर से मुझे अहिंसा परमो धर्म प्ले के बारे में पता चला। एंड आई वेंट टू सेक्टर 16 पंजाब कला भवन टू एक्सप्लोर दिस प्ले। और जब मैं व्लॉग शूट कर रहा था तो एनडीएम बजाज से मुझे एक कॉल आया एंड आई डिड एन अवेयरनेस वीडियो ऑन BS4। और इसके बाद मुझे मिला मेरा पहला व्लॉगिंग कैमरा। एंड आई प्लान टू एक्सप्लोर आम खास बाग एट फतेहगढ़ साहिब सरहिन सिटी। एंड आई डिड ए ब्यूटीफुल राइड एट चक्की मोड़। इन वीडियोस को पब्लिश करने के साथ ही एक और बड़ा ट्रिप करने का मौका मिला और वहां से शुरू हुआ सफर ए जर्नी टू हिमाचल का। और इस सफर के चलते हमें हमीरपुर कांगड़ा मकलोडगंज और भक्शुनाथ टेम्पल को फील करने का मौका मिला और यह सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा बना। 8 बजे निकलने का सोचा था, अभी बज रहे हैं 2। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हमीरपुर। हम लोग पहुंच चुके हैं कांगड़ा फोर्ट में और यहाँ की बहुत ही अलग वाइब्स है। कूड़ा कचरा नीचे ना फेंकें, क्या कमाल का ऑसम व्यू मिला है अपने को। हम लोग आ चुके हैं इस फोर्ट के बिल्कुल टॉप पर। होटल से बाहर निकले और सामने बस स्टैंड। ये बंदा थक चुका है, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलते चलते हम दोस्त बनाते रहेंगे। yeah! यार ऐसे चलता ही रहता है अपना। मौसम लोकेशन बहुत अच्छी है। मेरा ना यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। एंड टुडे इज आवर 50th व्लॉग, बोले तो आज हमारी हाफ सेंचुरी होगी है। ना सोच ए बंदे मंजिल दूर है तुझसे, तू बस कदम बढ़ाए चले जा। माना बेसब्री से इंतजार है तुझको मेरा, मगर यकीन रख तुझसे भी ज्यादा इंतजार है मुझको तेरा। ऑलराइट, सो ये थी मेरी अब तक की कहानी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो के बारे में आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। और अगर आप नए हैं और यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और जाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ,
कि ये आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही है जिसकी वजह से मेरी 50 व्लॉग्स की जर्नी बहुत कमाल की रही है, बहुत खूबसूरत रही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर यूर ऑल लव एंड सपोर्ट। और अब ये जर्नी और ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है एंड आई प्रोमिस यू कि आने वाले व्लॉग्स में और ज़्यादा मेहनत होगा और अच्छे से अच्छे व्लॉग्स आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। सो अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई सी यू नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, आवाज रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और मेरे सामने अभी बहुत प्यारा सा सनसेट हो रहा है, वो देख कर जाना। इस सफर में ना जाने कितनी ही ठोकरें लगी, ना जाने कितनी ही रातें बीती, मगर इस कायनात में एक ताकत थी जो मेरा हाथ थामे मुझे सफर में चलाती रही। छोटी सी ही मगर हर कामयाबी अपने आप में एक कामयाबी होती है। ये सफर सिर्फ मेरा सफर नहीं, हर उस इंसान के विश्वास का सफर है जिसने कभी मुझ में विश्वास किया। वादा है मेरा इसी तरह आगे भी चलूंगा, ठोकर खाकर गिरूंगा, दर्द में चिल्लाऊंगा भी, और फिर से खड़ा होकर आपके प्यार के सहारे आगे की तरफ चल पड़ूंगा और जल्द ही 100 व्लॉग्स के मुकाम पर पहुंचूंगा। बस जरूरत है आपके प्यार, आशीर्वाद, विश्वास और दुआओं की।